वायरस के चलते सरकार ने देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया है। स्टार्स अपने फैंस के साथ लॉकडाउन का पालन कर रही हैं, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पूनम पांडे गिर गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पूनम पांडे को उनकी दोस्त के साथ गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने मॉडल के खिलाफ FIR भी दर्ज की। अब पूनम पांडे ने अपने खिलाफ चली खबरों पर सफाई दी है। पूनम पांडे ने गिरफ्तार होने के बाद उस सिरे से खारिज कर दिया। पूनम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने अपनी सफाई दी। वीडियो में पूनम पांडे ने कहा, Hey guys, I had a movie marathon last night. I watched 3 movies back to back. It was fun. I've been getting calls since last night that I'm arrested, and I'm seeing this in the news as well. So guys, please don't write about me. I'm home and I'm perfectly fine. Love you all. इससे पहले सीनियर इंस्पेक्टर मृत्युंजय हीरमठ ने पीटीआई से बात करते हुए बताया था कि पूनम पांडे और सैम अहमद बॉम्बे के खिलाफ नेशनल डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत आईपीसी की धारा 269 और 188 के तहत मुकदमा दायर किया गया। बता दें कि धारा 269 के तहत किसी शख्स पर बीमारी और इन्फेक्शन को अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से फैलाने और दूसरे की जान को खतरे में डालने के आरोप में लगता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।